समस्त भारतवासियों को मेरा प्रणाम। साथियों, आज मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। साथियों, ये बात है 31 दिसंबर 1929 की, जब पूरा हिंदुस्तान नींद के आगोश में सो रहा था। उसी रात्रि में भारतीय स्वतंत्रता प्रेमियों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय राष्ट्र प्रेमियों के स्वाभिमान का प्रतीक स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। इस अवसर पर पंडित नेहरू ने कहा था, आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता की प्राप्ति। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। और ये भी निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। किंतु स्वतंत्रता प्रेमियों का ये सपना 26 जनवरी 1930 को पूरा नहीं हो सका। यही कारण है कि जब भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, तो उसे लागू न करके 20 साल पुरानी तारीख 26 जनवरी 1930 को याद करते हुए भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी निश्चित की जाती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये गणतंत्र दिवस हमारे स्वाभिमान, प्रभुसत्ता, लोकतंत्र और गौरव का प्रतीक है। सत्य ही कहा गया है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। साथियों, भारतीय संविधान जो 250 पेज और 90,000 शब्दों से मिलकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, इसके पीछे बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा थी। भारतीय संविधान में जितने भी शब्द हैं, उससे कई गुना अधिक देशभक्तों ने देश के लिए कुर्बानी दी है। भारतीय संविधान का एक एक शब्द सैकड़ों शहीदों के खून से लिखा गया है। गांधी, सुभाष, नेहरू, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल और न जाने कितने देशभक्तों के बलिदान का परिणाम है हमारा संविधान और हमारा गणतंत्र। साथियों, हमें आजादी मिल गई और हमारा संविधान लागू हो गया। किंतु दुख है कि जो सपना हमारे शहीदों ने देखा था और संविधान सभा के सदस्यों ने जिन पवित्र भावनाओं के साथ संविधान का निर्माण किया था, वो सपना आज तक पूरा ना हो सका। क्या उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी कि जिसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, भ्रष्टाचार और ऊंच नीच के नाम पर लड़ने के लिए लोग स्वतंत्र होंगे? साथियों, मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। कब तक लड़ोगे धर्म और जाति के नाम पर, कब तक लड़ोगे धर्म और जाति के नाम पर, आओ चलो अब प्यार के रिश्ते पे ध्यान दें, आओ चलो अब प्यार के रिश्ते पे ध्यान दें। 2 दिन की जिंदगी के लिए कैसी नफरतें, अब तुम भी करो कीर्तन हम भी अजान दें, अब तुम भी करो कीर्तन हम भी अजान दें। आज जरूरत है सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने की। आज जबकि दुनिया चांद पर जा रही है और मंगल ग्रह पर जाने की प्रतिस्पर्धा हो रही है, ऐसे में हम कब तक धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ते रहेंगे? हमें याद रखना होगा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानवता से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। ये कार्य सिर्फ किसी अधिकारी या राजनेता का नहीं है, ये तो हर व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि आपसी बैर को त्याग कर मिलजुल कर आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ाए और गंगा जमनी तहजीब वाली भारतीय संस्कृति की धारा को चिरकाल तक प्रवाहित होने दें। चाहे जो धर्म तुम्हारा हो, चाहे जो तुम वादी हो, चाहे जो धर्म तुम्हारा हो, चाहे जो तुम वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश हित तो समझो अपराधी हो, नहीं जी रहे अगर देश हित तो समझो अपराधी हो। सांप्रदायिक सौहार्द के रास्ते में जो काटे आए उन्हें उखाड़ फेंकना होगा। मिलजुल कर आगे बढ़ने से ही विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनने का हमारा सपना साकार हो पाएगा। और इसी पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। अरे हम ही आपस में लड़ बैठे तो देश कौन संभालेगा, हम ही आपस में लड़ बैठे तो देश कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला आकर देश हमें निकालेगा, कोई बाहर वाला आकर देश हमें निकालेगा। साथियों, हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां देश के लिए देशभक्त
सिर कटाने में पीछे नहीं रहे और इस आजादी रूपी किस्ती को तूफान से लाकर हमें दे दिया है। हमें आज संकल्प लेना चाहिए कि उनके सपनों को धूमिल नहीं होने देंगे। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, यही कोशिश की सूरत बदलनी चाहिए, है यही कोशिश की सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद।